नाम दो नसल अल्लाह रसूल करीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे नौजवान साथी सलमान अली सागर साहब जो हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, रोमा आंटी जी, इनको तो आप तो पता नहीं सब जानते हैं कि नहीं है। शी हैज़ हरसेल्फ बीन हैंडलिंग दिस काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी हैज़ बीन अ गाइड टू मी ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी फैमिली। मेरे दूसरे साथी एहसान सदीसी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, डॉक्टर आशिक साहब जो WHO के यहाँ के हेड हैं और काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है खासकर इस पेंडेमिक में। मेरे दूसरे साथी यहाँ पे हैं जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मैं सेक्रेटेरिएट पहले जाता था, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू गेट मी इन टू द सेक्रेटेरिएट एंड ही वुड नेवर अलाउ एनीबडी टू बी देयर व्हेन आई यूज्ड टू एंटर द प्रीमाइसेस। निसार साहब, हंडू साहब, ही इज़ बीन अ लेजेंड इन दिस स्टेट। तारिक साहब, इनकी साहबजादी ने अभी हमारा सर ऊंचा किया फख्र से, बिकॉज वी हैव नोन हर एज अ वेरी यंग किड, सो शी इज़ गॉट अ मेडल फॉर अस। जहांगीर साहब जो टीम रेड के साथ वाबस्ता हैं, मेरे साथी हैं पार्टी में भी। फयाज साहब जो मेरे काफ़ी देर से मेरे साथी रहे हैं, एक्चुअली जब यहाँ का इलेक्शन का सिलसिला पहले शुरू हुआ उस वक्त से मेरे साथ रहे हैं, और यहाँ बाकी जितने भी टीम रेड के ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों को। इस तरह से अभी तक हमने आपका पूरा जो एक्टिविटी रिपोर्ट सुना, कोई आसान काम नहीं है दूसरे के लिए वक्त निकालना, पैसा देना, कंट्रीब्यूट करना, जैसे आंटी ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है। आजकल के दौर में किसी के लिए वक्त निकालना भी एक बहुत बड़ा एक मसला हो जाता है, और आप लोग ये कर रहे हैं, बड़ी बात है। सोसाइटी में ये सब कुछ करना बड़ा लाजमी है। इस दुनिया को जो अगर देखें, ये बनी जब है, अगर अंदाज़ा लगाएं हज़ारों साल, कुछ लोगों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कोई 1.5 लाख साल पहले ये दुनिया बनी होगी, कुछ ऑथर्स का ये लिखना है, अंदाज़ा ही है, किसी को एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है कि कब बनी है। और इस 1.5 लाख साल में कितने बादशाह, कितने पैगंबर, कितने पीर फकीर, कितने जनरल, कितने डॉक्टर, कितने तबीब, कितने पॉलिटिशियंस हमसे पहले आए होंगे, और ये चलेंगे सिलसिला पूरा कयामत के दिन तक, अबद के दिन तक ये लोग चलते रहेंगे। इसका मतलब हमसे पहले भी बड़े लोग आए होंगे, हमसे बाद में भी बड़े लोग आएंगे, दानिश्वर आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, हम लोग एक मिनसिक्यूल हैं इसमें। ये आई डोंट इवन सी माईसेल्फ एज अ मिनसिक्यूल ऑन दिस एंटायर इको सिस्टम, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जहनी जो ये है, अपना किसी वक्त मान लीजिए अपने आप पे इतना अबूर है कि हम समझते हैं सब कुछ हम ही करते हैं, इसको चलाने वाला एक अलग ही पावर है। लेकिन इस सारे अपने इस छोटे से वजूद में बड़ी काबिल बात है, इस काम को आगे लेकर चलिए, किसी पर दायरा मत दीजिए, बहुत कुछ ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे हर तरह की हमारी जहनी कैफियत, हमारा जहनी कैफियत इस तक तक तबाह हो गई कि ड्रग यूज तक इतना फैल गया, अंदाजा नहीं कर सकते। न सिर्फ शहर में, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में अब ड्रग यूज बहुत ज़्यादा हो गया, और इस कदर फैल गया कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकता। जब मैं मिनिस्टर बना तो मुझे होम का जब जिम्मेदारी दी गई कुछ देर के लिए, तो हमने एक पुलिस में रिहैबिलिटेशन सेंटर छोटा सा खड़ा किया था, तो मैं उसको इंस्पेक्ट करने के लिए गया। इंसान के रोगड़े खड़े हो गए कि क्या क्या ड्रग अब्यूज। आई हैव सीन ए यंग बॉय हु यूज्ड टू स्निफ फेविकॉल 5 लीटर फेविकॉल पर डे। देयर वाज अ बॉय हु यूज्ड टू लिक शू पॉलिश। It's not only to the hardcore drugs, there are so many drug abusers that we are going through. उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और अक्सर जो मैं कहूँगा कि अगर इनको आप ये करें कि अवेयरनेस तो ठीक है, लेकिन कुछ आप रिहैबिलिटेशन कर दीजिए, अंदाजा ही है, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है कब बनी है। और इस 1.5 लाख साल में कितने बादशाह, कितने पैगंबर, कितने पीर फकीर, कितने जनरल, कितने डॉक्टर्स, कितने तबीब, कितने पॉलिटिशियंस हमसे पहले आए होंगे, और ये चलेंगे सिलसिला पूरा कयामत के दिन तक, अबद के दिन तक ये लोग चलते रहेंगे।
इसका मतलब हमसे पहले भी बड़े लोग आए होंगे, हमसे बाद में भी बड़े लोग आएंगे, दानिश्वर आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, हम लोग एक इनसिक्योर हैं इसमें। ये आई डोंट इवन सी माई सेल्फ एज इनसिक्योर ऑन दिस एंटायर इको सिस्टम, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जहनी जो ये है अपना, किसी वक्त मान लीजिए अपने आप पे इतना अबूर है कि हम समझते हैं सब कुछ हम ही करते हैं, उसको चलाने वाला एक अलग ही पावनी जब है। अगर अंदाज़ा लगाएं हज़ारों साल, कुछ लोगों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कोई 1.5 लाख साल पहले, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है। लेकिन अब आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कोशिश अब तक भी जितनी आपने की है बहुत अच्छी है, लेकिन और जोर शोर से करना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आसान नहीं है आप लोगों को आगे जाना, ना आपको आसान रास्ता देते हैं कोई। इतना डिस्कशंस कर करके पार्लियामेंट में, सिविल सोसाइटी में हम लोगों को बुला के, कोई आज तक आपको रिजर्वेशन नहीं देने वाला। 2/3 से ज़्यादा पार्लियामेंट में इस वक्त मेजॉरिटी है, लेकिन आपकी रिजर्वेशन की बिल पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनको खौफ है। आप ये मैं आपको बताऊँ, जितने भी हम लोग हैं कहते हैं कि अगर औरतें आ गई हम लोग पीछे बैठ जाएंगे, हम लोगों का फिर क्या बनेगा। लेकिन आप लोगों का मजबूत होना, आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना बड़ा ज़रूरी है। सोसाइटी को बेहतर बनाना, एजुकेटेड बनाना, हेल्दी बनाना और सोसाइटी का माहौल बेहतर रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और मुश्किलात भी आपको बहुत हैं, हम लोग खुश हैं तो आप लोग भी खुश हैं। हम लोगों पे कोई मुश्किल आएगी उसका खमियाजा घर में भी आप पे पड़ता है। कोई हमारा कोई अगर दिन में कोई काम ठीक नहीं पड़ा हो, शाम को उसका खमियाजा घर वालों पे ही पड़ता है। ये सब सह के भी आपको इस सोसाइटी को बेहतर बनाना पड़ेगा। फैज़ अहमद फैज़ एक प्रोग्रेसिव राइटर, खासकर नौजवानों को वो बड़ा प्रोत्साहन करते थे। उनकी अगर आप देखें इनकलाबी नज़रिया नौजवानों के लिए, एक उन्होंने नज़म लिखी है, मैं ये पढ़ के फिर आप लोगों को छोड़ जाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरना, जो होगा देखा जाएगा। अपने जो है मिशन पे कायम रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक और मीटिंग में जाना है, अब सलमान साहब मेरी जगह यहाँ हेड करेंगे।